शहर में बेकाबू हो चुके बदमाशों ने सरे राह एक युवक पर फायर कर सनसनी फैला दी। थाने से चंद कदम दूरी पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। बताया जाता है कि ब्यासु सिंह बघेल रात करीब 10 बजे बाइक पर सवार होकर जा रहा था। सिविल लाइन थाने के सामने पहुंचने पर एक बाइक से 3 की संख्या में आए आरोपियों ने दिव्यांशु को रोक लिया। उसके साथ सभी उसके साथ विवाद करने लगे। बात बढ़ी तो एक आरोपी ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली युवक के हाथ में लगी और वह घायल हो गया। थाने के सामने गोली चलने की घटना से सनसनी फैल गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर पुलिस उनको गिरफ्तार करने में लगी हुई है। हालांकि युवक की अभी तक बयान दर्ज नहीं हो पाए जिससे आरोपियों के नाम सामने नहीं आए हैं। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को अपने स्तर पर पहचान कर जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुराने बस स्टैंड पे ये दिव्यांशु है, दिव्यांशु प्रताप सिंह, ये अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँच करके चाय पी रहा था और चाय पी के जब लौटा तो इनकी दुश्मनी जो है पुरानी रंजिश थी लकी परिहार से। लकी परिहार अपने साथियों के साथ आया होगा, फिर इनकी कहा सुनी हुई और उसने फायर किया जिससे उसके हाथ में दिव्यांशु को बाएं हाथ में लग गई है। उसको उपचारार्थ जो है अस्पताल भर्ती कराया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की टीम जो है संबंधित आरोपियों को पकड़ने के लिए रवाना है। सर, कई आरोपी बताए जा रहे हैं, कई लोग गैंग नहीं, गैंग वार नहीं है, दो गुट है आपस में, इनका लड़ाई झगड़ा चला है। अभी जस्ट घटना घटित हुई है, अभी और तथ्य सामने आएंगे, फिर आपको उसको शेयर किया जाएगा।